दोस्तों अभी आप देख पाएंगे इस हाथ में मेरे ना 3 से 4 अलग अलग यहाँ पर मोबाइल फोन्स है, और वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप भी किसी के भी एयरटेल के नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि भाई कॉल पर ना किस किस से बात की गई है, कौन कौन से नंबर पर जो है कॉल किया गया है और कितनी देर तक कॉल पर बात की गई है, सारी की सारी डिटेल्स आप मात्र 2 मिनट में निकाल सकते हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा समझना है ताकि आप सही तरीका जान पाओ कि आपको कैसे एयरटेल नंबर की कॉल हिस्ट्री को निकालना है। दोस्तों किसी भी एयरटेल नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालना बहुत ही आसान है, और सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं गाइस कि यहां पर ना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आप गलत काम में कभी भी इसका यूज मत करना। और गाइस आप किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाल कर ये जान सकते हैं कि किन किन लोगों से बात की गई है कॉलिंग के थ्रू। तो आपके फोन पर ना गाइस इस तरीके से एक एप्लीकेशन रहेगा जिसमें आपको जो है नॉर्मल SMS आते हैं, तो यहां पर देखिएगा मैसेज का हमारा एक यहां पर जो है एप्लीकेशन है, हम इसको ओपन कर लेंगे। अब यहां पर देखिएगा बहुत सारे SMS हमारे फोन पर आए हुए हैं जो कंपनी के थ्रू कभी कभी आते हैं, तो यहां पर आपको कुल मिला के एक जो है SMS सेंड करना है, और यहां पर लिखा है स्टार्ट चैट, हम यहां पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको 1 to 1 यानी कि 121 पे आपको SMS सेंड करना है। अब यहां पर 1 to 1 हमने टाइप कर लिया है जिसपे हमें सेंड करना है SMS। और गाइज याद रखिएगा आपके फ़ोन में अगर 2 SIM कार्ड है ना, तो आपको सबसे पहले सिम कार्ड को सेलेक्ट करना होगा कि आप ना कौन से सिम कार्ड से SMS भेज रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एयरटेल को सेलेक्ट करना है, जैसे फिलहाल हमारे 2 SIM कार्ड है, एक है VI का एक है एयरटेल का, तो हमने यहाँ पर सेकंड सिम अपना सेलेक्ट किया हुआ है। अब गाइज यहाँ पर आपको एक SMS को टाइप करना है और लिखना आपको कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षरों में ई का मतलब होता है स्टेटमेंट, और आपको लिखना है PRE की मतलब होता है प्रीपेड नंबर, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PRE, और यहाँ पर आपको लिखना है बिल। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब गाइज आपको स्पेस लिखना है, और गाइज यहाँ पर आपको लिखना है जिस भी मंथ की आपको ना कॉल हिस्ट्री चाहिए, जैसे अभी जनवरी मंथ चल रहा है और हम चाहते हैं कि हमें दिसंबर मंथ की यहाँ पर कॉल हिस्ट्री देखनी है, तो यहाँ पर आपको उस मंथ का यहाँ पर टाइप करना होगा। अब गाइज मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर आप मैक्सिमम ना 6 महीने पुरानी कॉल हिस्ट्री अपनी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं दिसंबर, ठीक है, तो हमने लिख दिया है दिसंबर। आप इसको चाहे तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर को मंथ को, ठीक है। इसके बाद आपको स्पेस देना है। अब गाइज आपको ना यहाँ पर अपना जीमेल आईडी को एंटर करना है, आप कोई सा भी जीमेल आईडी अपना एंटर कर लेंगे जिस पर आपको जो है ईमेल चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक जीमेल आईडी है demo.hamsafartech, हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। और यार गाइज आप एक चीज़ भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर दो। तो हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है हमारा जो एक डेमो जीमेल आईडी है, ये फिलहाल हमने ऐसे बना रखा है ताकि आपको कुछ समझा सके, और यहाँ पर demo.hamsafartech@gmail.com हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर जो है अपना कोई सा भी जीमेल आईडी को एंटर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड करना है SMS को, और 1 to 1 पे आपका SMS चला जाएगा। और याद रखिएगा कि आपका फ़ोन में रिचार्ज होना ज़रूरी है, या आपका जो मंथली वाला प्लान होता है वो होना ज़रूरी है, तभी आपका यहाँ पर जो SMS जाएगा। अब गाइस देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक रिटर्न में ना एक SMS आ चुका है कि आपका जो स्टेटमेंट है ना, आपका कॉल हिस्ट्री की डिटेल है, वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक पासवर्ड भी आपको दिया गया है, और जो गाइज ये पासवर्ड है ना वो वहाँ पर आपको काम आएगा। चलिए दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें ईमेल रिसीव हुआ है। आपको जीमेल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर ओपन करना है, और अभी आप देख पाएंगे कि एयरटेल की तरफ से हमारे पास एक SMS आ चुका है स्टेटमेंट, तो आपको इस ईमेल को ओपन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ईमेल में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जो भी आपका PDF का फाइल होता है ना, जो आपको PDF भेजी जाती है, उसका जो पासवर्ड होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होता है, यानी कि साल होता है जिस साल में आप पैदा हुए होते हैं। उसके अलावा जो आपका मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना, लास्ट के, वो आपको एंटर करना होता है। एग्जांपल भी यहाँ पर दिया गया है कि मान के चलिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1984, तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर है 9810012345, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है। तो आपका पासवर्ड रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर 1984, ये आ चुका यहाँ पर, और आपके लास्ट के जो नंबर है उसके 4 डिजिट 2345, यानी कि आपका पासवर्ड रहेगा ये। तो चलिए हम नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक PDF फाइल है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर गूगल ड्राइव के थ्रू ओपन करेंगे, जस्ट वन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है आपको एंटर कर लेना है। पासवर्ड आपको जो है SMS के थ्रू भी मिल जाता है, और आप चाहे तो अपने डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का जो है ईयर और अपना लास्ट के मोबाइल की 4 डिजिट एंटर कर लेंगे। अभी गाइज आप देख पाएंगे कि एयरटेल की तरफ से हमारे पास यहाँ पर जो ईमेल आ चुका है, और यहाँ पर पूरी की पूरी हमारे जो है
कॉल हिस्ट्री बताई गई है कि कहां कहां हमने कॉल करी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी एयरटेल नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं।